नेता पवन खेड़ा इस वक्त मेरे साथ हैं। पवन जी, जेपीसी की मांग आप लगातार कर रहे हैं अडानी मुद्दे के ऊपर, क्या लगता है आपको, सरकार आपकी मांग को मानेगी? और अगर नहीं मानती है तो आगे का क्या स्टैंड? देश देख रहा है सरकार किस तरह से गौतम अडानी का नाम तक नहीं लेने देती। इतनी घबराहट, इतना उनकी रक्षा में पूरा कैबिनेट उतरा हुआ है गौतम अडानी की रक्षा में। क्यों? ये सरकार लोगों ने चुनी है, गौतम अडानी ने नहीं चुनी। देश के प्रति आप उत्तरदायित्व आपका है, तो अगर आपसे हम जेपीसी की मांग करते हैं तो आप उस मांग को स्वीकार कीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, लोगों को जवाब मिले किसकी वजह से आज ये स्थिति आई है कि आपका एक दोस्त, उसकी अपनी आय इतनी बढ़ गई और देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है वो सबके सामने। रिंग मास्टर आप कह रहे हैं अडानी को, और उसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं, भाजपा के मंत्री हैं, उन पर भी तीखे हमले कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय के अंदर कहीं ये दाव उल्टे तो नहीं पड़ेंगे? हम कोई दाव नहीं चल रहे, हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है और कर्तव्य है कि हम ये मांग उठाएं, लोगों को आवाज दें, लोगों के मन में जो है उसको आवाज विपक्ष देने का काम करता है। राहुल गांधी के ऊपर जो है लगातार हमलावर है भाजपा, उसको लेकर के क्या कहेंगे? गौतम अडानी को बचाने के लिए ये किसी भी स्तर पर जाएंगे। हम गौतम अडानी का नाम लेते हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी के ऊपर कोई मांग करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जेपीसी की मांग पर अडिग हैं। सर आखिरी सवाल, कल ईडी नहीं जाने दिया था आपको, क्या आगे भी ऐसी कोशिश जारी रहेगी? जो भी करना होगा हम करेंगे, ताकि इस देश को जवाब मिले।